तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि 2024 में हमें पॉलिटेक्निक करनी चाहिए या फिर नहीं, तो ये अगर जानना है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा चीज़, हमारे मन में ये भी रहता है कि हम बीटेक करें या फिर पॉलिटेक्निक, तो इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग अब बिना कोई बात किए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक हमें क्यों करना चाहिए। पहले पॉलिटेक्निक में कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनको करने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब आसानी से ले सकते हैं। आप अगर जल्दी जॉब चाहते हैं तो आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास सर्टिफिकेट जैसे ITI होनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात बीटेक की, तो बीटेक कर पाना हर किसी के लिए हम कहेंगे संभव नहीं होता है। एक तो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप जानते हो कि अभी तक बीटेक का एग्ज़ाम अलग होता था, लेकिन अब JEE मेंस करने के बाद ही हम लोग वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। और एडमिशन भी पा लेंगे तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज का भी जो हमारा उसका खर्चा रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हर किसी को अफोर्डेबल नहीं रहता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए, और दूसरा ये भी चीज़ है कि जो बीटेक है ना, उससे ज़्यादातर जो हमारे चांस हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही है। प्राइवेट सेक्टर में हालांकि आप वो अच्छा कर सकते हो, लेकिन अच्छे कॉलेज से अगर आपने बीटेक किया है तो, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए हो तो बहुत अच्छा शुरू में कर लो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और आपके पास पैसा आपका मतलब काफ़ी लगेगा, तो जिसके पास पैसा है वो बीटेक कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मिडिल क्लास या जो ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे की कमी है, तो वो पॉलिटेक्निक करें। और बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनके वो बिल्कुल पॉलिटेक्निक करें, तो ऐसा ना सोचें कि हम बीटेक नहीं कर पाए तो ये पॉलिटेक्निक में शायद कुछ हमें पता नहीं क्या मतलब कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से मतलब पॉलिटेक्निक करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप JEE बनना चाहते हो, और ख़ासकर रेलवे वगैरह में, अगर रेलवे में JEE बनना है तो आप ज़रूर पॉलिटेक्निक कर लो। आप UPPCL जो हमारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रहती है, जो आप देखते हैं बिजली विभाग में वैकेंसी आती है JEE की, तो वहाँ पर भी आप JEE बन जाएंगे। लेकिन बस ये रहता है कि वहाँ पर थोड़ी वैकेंसी कम रहती है, लेकिन जिस दिन रेलवे में वैकेंसी आएगी, आपकी तैयारी है, तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे यहाँ पर। और दूसरा, आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जब भी आपके पास जैसे ही पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है तो आप छोटी मोटी नौकरी एकदम से ले सकते हैं। प्राइवेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो बहुत आपको अच्छा बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि चाहे बीटेक कर लो चाहे पॉलिटेक्निक कर लो, लेकिन जब आप शुरू में जाएंगे तो बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिलती है। आपको देखता है ना कंपनी वाला कि किस तरीके से आपका काम कैसा है, आप कैसे करते हो, आप क्या सीख के आए हो ना, तो उस बेस पे आपकी सैलरी फिर आगे को इनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप पॉलिटेक्निक जरूर करें। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आने वाले हैं, वो मैं बता दूंगा। और दूसरा, मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारा ट्रेड होता है, तो हमें किस ट्रेड से पॉलिटेक्निक करना चाहिए। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अगर नौकरी चाहते हैं तो हमें किस ट्रेड को और किस स्टेट से पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने आने वाले वीडियो में ये सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत से हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि कुछ ट्रेड से हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि भाई ये हमने क्या कर लिया। ठीक है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी।